हाय एवरीवन, आज का ये लुक किया है मैंने ईद के हिसाब से। ईद आने वाली है तो आज का ये लुक मैंने उसी के हिसाब से किया है। और आई होप आप सभी को ये मेकअप लुक और आई शेडो काफ़ी अच्छा लगे। तो ये लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले अपने फेस पे हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर मैं निविया की क्रीम ले रही हूँ। इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे और नेक एरिया पर अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का प्राइमर ले रही हूँ। ये प्राइमर काफ़ी अच्छी शाइन देता है फेस पर, तो इसे आप फाउंडेशन से पहले लगाओ तो आपका फेस काफ़ी ग्लॉसी ग्लॉसी लुक देगा। इसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का फाउंडेशन ले रही हूँ। न्यूड आइवरी है इसका शेड, तो इसे हम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अब मैं ले रही हूँ ओलिविया की पैन स्टिक और इसका शेड है 007। ये वाइट कलर की पैन स्टिक है और ये काफ़ी अच्छी है। ओलिविया की वैसे भी ये कंसीलर बहुत अच्छी है, तो मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपनी आईज़ पर ताकि जो भी हम आई शेडो अप्लाई करें वो अच्छे से हाईलाइट हो। इसके बाद यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की आईब्रो किट और मेरा शेड है 04। इसमें जो क्रीम है ब्राउन क्रीम कलर है, इसको मैं यूज़ कर रही हूँ। इससे हम जो अपनी आईब्रोज है उसको अच्छे से हाईलाइट करेंगे। अब मैं कंसीलर की मदद से इसकी आउटलाइन कर रही हूँ ताकि जो आईब्रोज हमने बनाई है वो बहुत अच्छे से हाईलाइट हो हमारे फेस पर और एक क्लीन। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी की ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ। इसे जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसके ऊपर ही हम अप्लाई करेंगे ताकि कोई भी क्रीज लाइन ना आए। अब मैं मिस रोज़ की आईशैडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैं लाइट ब्राउन कलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंजिश ब्राउन है ये। तो सबसे पहले हमेशा लाइट कलर से ही शुरुआत करते हैं आईशैडो की। इसके बाद मैं जो ये रेड और ब्राउन है इन दोनों को मिक्स करके क्रीज लाइन पर अप्लाई कर रही हूँ एक पतले से ब्रश से। इसे हम अच्छे से ब्लेंड करते हुए जाएंगे, एक क्रीज लाइन बना लेंगे। इसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन कलर ले रही हूँ, इसको भी मैं इसी के ही ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। अब मैं कट क्रीज कर रही हूँ कंसीलर की मदद से। इसमें मैं ये बहुत ही स्मॉल ब्रश ले रही हूँ। अब हम इसे सेट कर लेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। अब यहाँ पर मैं स्काई ब्लू कलर का आई शेडो ले रही हूँ। ये ब्रश से अच्छे से लग नहीं रहा तो अब मैं पफ की मदद से अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पफ से बहुत अच्छे से लगता है आई शेडो। तो ये जो थोड़ी सी जगह रह गई है यहाँ पर मैं स्मॉल ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि एक क्लीन लुक आए हमारी आई शेडो का। अब जो लास्ट में कॉर्नर्स है उसे हम ब्लैक आई शेडो की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि एक हल्का सा स्मोकी लुक आए। अब गोल्डन आईलाइनर ले रही हूँ, आप कोई सा भी गोल्डन आईलाइनर ले सकते हो। इसे हम हल्की सी एक लाइन बना लेंगे आईशैडो पर जहाँ पर हमने कट क्रीज किया है। अब लोअर आईलिड पर मैं यही ब्राउन ये ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ ताकि हमारा थोड़ा आईज़ दोनों मैच हो जाए। तो इसे हम हल्के से ब्लेंड कर लेंगे। अब ब्राउन कलर से भी कर रही हूँ। अब जो इनर कॉर्नर से उस पर मैं गोल्डन कलर का यही आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ। दोनों आईज़ पर अप्लाई कर लेंगे। इसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का जेल आईलाइनर ले रही हूँ। यहाँ पे जो मैंने ब्रश यूज़ किया है वो पैक का ब्रश है, 121 इसका नंबर है। ये ब्रश काफ़ी अच्छा है जेल आईलाइनर लगाने के लिए, बहुत अच्छा जेल आईलाइनर लगता है इससे, तो ये ब्रश मुझे काफ़ी पसंद है। इसके बाद मैं आइकॉनिक मस्कारा ले रही हूँ लैक्मे का। तो हम अपनी आईज पर मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। अब मैं एले गर्ल का कंसीलर ले रही हूँ, कोका इसका शेड है। इसे हम अपने फेस की कॉन्टोरिंग कर लेंगे।
अब ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इसको। अब मैं पूरे फेस पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ही, ताकि जो भी हमने अप्लाई किया है वो अच्छे से मर्ज भी हो और सेट भी हो जाए। अब नोज़ की कॉन्टोरिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैं एक फ्लैट स्ट्रेट ब्रश ले रही हूँ, इससे कॉन्टोरिंग बहुत अच्छे से होती है। अब एक सिंपल ब्रश की मदद से इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। अब मिडल एरिया पर मैं सिंपल कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इससे हमारी नोज़ बिल्कुल स्ट्रेट लगेगी। अब वेट एंड वाइल्ड का जो कॉन्टोरिंग किट है उसे यूज़ कर रही हूँ मैं, और हल्का हल्का अपने फेस को कॉन्टोर कर लेंगे। और इससे मैं हाईलाइट कर रही हूँ अपने फेस को। अब मैं मेबेलिन का हाइलाइटर ले रही हूँ, मेरा शेड है रोज़ गोल्ड, शेड नंबर 02, ये पिंकिश कलर का हाइलाइटर है। तो इसे मैं उन कॉर्नर आइज़ पर अप्लाई करूँगी और आईब्रो बोन्स पर। इसके बाद जो एक्स्ट्रा भी लूज़ पाउडर है हम उसे रिमूव कर लेंगे ब्रश की मदद से। अब मैं ब्लशर के लिए सिवाना का ब्लशर ले रही हूँ, शेड नंबर 02, ये पिंक कलर का ब्लशर है और ये बहुत ही प्यारा ब्लशर है। अब मैं अपने फेस को भी हाईलाइट कर रही हूँ, यही मेबेलिन का ही यूज़ किया है मैंने हाईलाइटर। अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, ब्लू हेवन की 11 नंबर है, ये शेड बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा शेड है और मेरा फेवरेट शेड है। तो ये है मेरा फाइनल लुक, आई होप आप सभी को काफ़ी अच्छा लगे। तो आप भी इस लुक को ज़रूर ट्राई करें इस ईद पर, और मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बधाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।